कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े जा रहे हैं, 2.5 लाख के करीब हो गए हैं, और ये और देशों के मामले में अब हम हमारी पोजीशन भी ऊपर को जा रही है। लेकिन इसको एक और तरीके से देखना जरूरी है कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। अगर हम हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारी जो जनसंख्या है वो यूरोप के कई देशों को मिला के बनती है। इसलिए अगर हम कंपेयर करें कि इटली या स्पेन से हम ज्यादा आगे जा रहे हैं तो वो उनकी पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन का रेशो भी देखना जरूरी है। पर मेरा ये मानना है कि नंबर्स पे हम इतना ना जाएं, हम उस पे फोकस करें कि हमारे यहाँ डेथ्स कम होनी चाहिए, हमें लोगों को बचाने की जरूरत है। हम ये भी जानते हैं कि जो कोरोना के केसेस हैं, कोविड के जो केसेस आ रहे हैं, मेजॉरिटी जो है, मैं कहूँगा 90% तक जो केसेस हैं वो बड़े माइल्ड केसेस हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है। और मेरा ये मानना है कि मेजॉरिटी हमारे केसेस जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमें उन लोगों को बचाना है जो ज्यादा सिक है, जो कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल पूरी होनी चाहिए या उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये कर पाएंगे तो चाहे हमारे केसेस बढ़ते रहें लेकिन हमारी डेथ रेट जो है वो कम होगी, और अगर हमारी डेथ्स कम होगी तो हमारी जो कोरोना की लड़ाई है वो एक सफल रहेगी। तो कुछ हद तक कोरोना जो है हमारे साथ रहेगा, ये ऐसा नहीं दिख रहा कि हम कहें कि ये हमारी एकदम खत्म हो जाएगी। हमारा देश में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कोरोना के केसेस, मेरा ये मानना है कि बाद में भी रहेंगे क्योंकि वायरस एकदम तो खत्म नहीं होगा। लेकिन हमें दो कोशिशें करनी है, एक ये कि पीक केसेस जो हैं कम होने शुरू हों, वो है कि पीक आके हम आगे निकलें। ये कब आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात भी सही है कि देश के अलग अलग भागों में पीक अलग अलग टाइम पे आ सकता है, क्योंकि हर एक एरिया थोड़ा का बिहेवियर अलग है, हमारा देश भी बहुत बड़ा है। दूसरी चीज ये है कि केसेस कम भी हो जाएंगे तो खत्म तो नहीं होंगे, इसलिए जो हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं या है मास्क लगाने की बात कर रहे हैं, वो हमें कई महीने या कई साल भर कर ये कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े जा रहे हैं, 2.5 लाख के करीब हो गए हैं, और ये और देशों के मामले में अब हम हमारी पोजीशन भी ऊपर को जा रही है। लेकिन इसको एक और तरीके से देखना जरूरी है कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। अगर हम हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारी जो जनसंख्या है वो यूरोप के कई देशों को मिला के बनती है। इसलिए अगर हम कंपेयर करें कि इटली या स्पेन से हम ज्यादा आगे जा रहे हैं तो वो उनकी पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन का रेशो भी देखना जरूरी है। पर मेरा ये मानना है कि नंबर्स पे हम इतना ना जाएं, हम उस पे फोकस करें कि हमारे यहाँ डेथ्स कम होनी चाहिए, हमें लोगों को बचाने की जरूरत है। हम ये भी जानते हैं कि जो कोरोना के केसेस हैं, कोविड के जो केसेस आ रहे हैं, मेजॉरिटी जो है, मैं कहूँगा 90% तक जो केसेस हैं वो बड़े माइल्ड केसेस हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है। और मेरा ये मानना है कि मेजॉरिटी हमारे केसेस जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमें उन लोगों को बचाना है जो ज्यादा सिक है, जो कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल पूरी होनी चाहिए या उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये कर पाएंगे तो चाहे हमारे केसेस बढ़ते रहें लेकिन हमारी डेथ रेट जो है वो कम होगी, और अगर हमारी डेथ्स कम होगी तो हमारी जो कोरोना की लड़ाई है वो एक सफल रहेगी। तो कुछ हद तक कोरोना जो है हमारे साथ रहेगा, ये ऐसा नहीं दिख रहा कि हम कहें कि ये हमारी एकदम खत्म हो जाएगी। हमारा देश में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कोरोना के केसेस, मेरा ये मानना है कि बाद में भी रहेंगे क्योंकि वायरस एकदम तो खत्म नहीं होगा। लेकिन हमें दो कोशिशें करनी है, एक ये कि पीक केसेस जो हैं कम होने शुरू हों, वो है कि पीक आके हम आगे निकलें। ये कब आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात भी सही है कि देश के अलग अलग भागों में पीक अलग अलग टाइम पे आ सकता है, क्योंकि हर एक एरिया थोड़ा का बिहेवियर अलग है, हमारा देश भी बहुत बड़ा है। दूसरी चीज ये है कि केसेस कम भी हो जाएंगे तो खत्म तो नहीं होंगे, इसलिए जो हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं या है मास्क लगाने की बात कर रहे हैं, वो हमें कई महीने या कई साल भर ये कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े जा रहे हैं, 2.5 लाख के करीब हो गए हैं, और ये और देशों के मामले में अब हम हमारी पोजीशन भी ऊपर को जा रही है। लेकिन इसको एक और तरीके से देखना जरूरी है कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। अगर हम हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारी जो जनसंख्या है वो यूरोप के कई देशों को मिला के बनती है। इसलिए अगर हम कंपेयर करें कि इटली या स्पेन से हम ज्यादा आगे जा रहे हैं तो वो उनकी पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन का रेशो भी देखना जरूरी है। पर मेरा ये मानना है कि नंबर्स पे हम इतना ना जाएं, हम उस पे फोकस करें कि हमारे यहाँ डेथ्स कम होनी चाहिए, हमें लोगों को बचाने की जरूरत है।
हम ये भी जानते हैं कि जो कोरोना के केसेस हैं, कोविड के जो केसेस आ रहे हैं, मेजॉरिटी जो है, मैं कहूंगा 90% तक जो केसेस हैं वो बड़े माइल्ड केसेस हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है और मेरा ये मानना है कि मेजॉरिटी हमारे केसेस जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमें उन लोगों को बचाना है जो ज्यादा सिक है, जो कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल पूरी होनी चाहिए या उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये कर पाएंगे तो चाहे हमारे केसेस बढ़ते रहें लेकिन हमारी डेथ रेट जो है वो कम होगी, और अगर हमारी डेथ्स कम होगी तो हमारी जो कोरोना की लड़ाई है वो एक सफल रहेगी। तो कुछ हद तक कोरोना जो है हमारे साथ रहेगा। ये ऐसा नहीं दिख रहा कि हम कहें कि ये हमारी एकदम खत्म हो जाएगी। हमारा देश में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कोरोना के केसेस, मेरा ये मानना है कि बाद में भी रहेंगे क्योंकि वायरस एकदम तो खत्म नहीं होगा। लेकिन हमें दो कोशिशें करनी है, एक ये कि पीक केसेस जो हैं कम होने शुरू हों, वो है कि पीक आके हम आगे निकलें। ये कब आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात भी सही है कि देश के अलग अलग भागों में पीक अलग अलग टाइम पे आ सकता है क्योंकि हर एक एरिया थोड़ा का बिहेवियर अलग है, हमारा देश भी बहुत बड़ा है। दूसरी चीज ये है कि केसेस कम भी हो जाएंगे तो खत्म तो नहीं होंगे, इसलिए जो हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं या है मास्क लगाने की बात कर रहे हैं, वो हमें कई महीने या कई साल भर कर ये कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े जा रहे हैं, 2.5 लाख के करीब हो गए हैं और ये और देशों के मामले में अब हम हमारी पोजीशन भी ऊपर को जा रही है। लेकिन इसको एक और तरीके से देखना जरूरी है कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारी जो जनसंख्या है वो यूरोप के कई देशों को मिला के बनती है, इसलिए अगर हम कंपेयर करें कि इटली या स्पेन से हम ज़्यादा आगे जा रहे हैं तो वो उनकी पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन का रेशो भी देखना जरूरी है। पर मेरा ये मानना है कि नंबर्स पे हम इतना ना जाएं, हम उस पे फोकस करें कि हमारे यहाँ डेथ्स कम होनी चाहिए, हमें लोगों को बचाने की जरूरत है। हम ये भी जानते हैं कि जो कोरोना के केसेस हैं, कोविड के जो केसेस आ रहे हैं, मेजॉरिटी जो है, मैं कहूँगा 90% तक जो केसेस हैं वो बड़े माइल्ड केसेस हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है और मेरा ये मानना है कि मेजॉरिटी हमारे केसेस जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमें उन लोगों को बचाना है जो ज्यादा सिक है, जो कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल पूरी होनी चाहिए या उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये कर पाएंगे तो चाहे हमारे केसेस बढ़ते रहें लेकिन हमारी डेथ रेट जो है वो कम होगी, और अगर हमारी डेथ्स कम होगी तो हमारी जो कोरोना की लड़ाई है वो एक सफल रहेगी। तो कुछ हद तक कोरोना जो है हमारे साथ रहेगा। ये ऐसा नहीं दिख रहा कि हम कहें कि ये हमारी एकदम खत्म हो जाएगी। हमारा देश में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कोरोना के केसेस, मेरा ये मानना है कि बाद में भी रहेंगे क्योंकि वायरस एकदम तो खत्म नहीं होगा। लेकिन हमें दो कोशिशें करनी है, एक ये कि पीक केसेस जो हैं कम होने शुरू हों, वो है कि पीक आके हम आगे निकलें। ये कब आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात भी सही है कि देश के अलग अलग भागों में पीक अलग अलग टाइम पे आ सकता है क्योंकि हर एक एरिया थोड़ा का बिहेवियर अलग है, हमारा देश भी बहुत बड़ा है। दूसरी चीज ये है कि केसेस कम भी हो जाएंगे तो खत्म तो नहीं होंगे, इसलिए जो हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं या है मास्क लगाने की बात कर रहे हैं, वो हमें कई महीने या कई साल भर कर कर ये